हेलो, मैं सिप्रा अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ सिप्रा संग में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और तुरंत बनने वाला झटपट रेसिपी आप लोग को लेके आई हूँ। जैसे पनीर की आप लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो ये आज आप लोग को लेके आई हूँ पनीर की सब्जी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लेके आई हूँ। तो आप लोग सीधे चलिए किचन में, देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ, फिर उसी तरह आप लोग भी बनाइए और मेरे तरह खाइए। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी, जो कि मैं देख लीजिए यहाँ मैं इसको घिस करके रख ली हूँ पनीर को, या फिर आप ना हाथ से भी ऐसे आप मसल लोगे, जैसे थोड़ा सा मैंने ऐसे ऐसे कर लोगे तो ये हो जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 रेड चिल्ली, हरा मिर्च मैं डाल रही हूँ, और ये 2 प्याज डाल रही हूँ, ये है छोटा सा एक शिमला मिर्च था उसको कट कर ली हूँ, और एक मैं टमाटर कट कर ली हूँ। सारे को आपको अच्छे से बारीकी से आपको काट लेना है, छोटा छोटा, ये नहीं कि बड़ा। अब इसमें आपको डालना है कम से कम 4 चम्मच तेल। आप इसको बटर में भी बना सकते हो, आप इसको घी में भी बना सकते हो, जिसमें आपकी मर्जी उसमें बना सकते हो। अब इसमें सबसे पहले आपको डालना है 1 चम्मच जीरा, इसको अच्छे से तड़क जाने दीजिए। तो ये देखिए, उसके बाद से ये जीरा मेरा अच्छे से हो गया है, तो मैं डाल दूंगी इसमें, इसमें ये है ओनियन प्याज, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको ये कर लूंगी। ये देखिए, अब इसी के साथ मैं ये मिर्च को डाल ले रही हूँ, हरा मिर्च। अब उसके बाद से मैं भून रही हूँ, हल्का से इसको ब्राउन कर लेना है, उसके बाद से आपको शिमला मिर्च डाल देना है। तो मैं ना इसमें मैं 1 पाव 250 ग्राम पनीर का, मैं थोड़ा सा कम है मेरा 250 ग्राम से, मैं उतना का बना रही हूँ। अगर आप ना, मैं जिंजर और गार्लिक का मैं पेस्ट डालने वाली हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप बारीकी से इसी तरह आप काट के, लहसुन का 4-5 कली और अदरक का बस 1 इंच उसको काट के एकदम बारीकी से छोटा छोटा काट के इसमें ना अभी उसको डाल देंगे। अब मैं अभी इसमें अभी नहीं डालूंगी, थोड़े देर के बाद डालूंगी, थोड़ा सा ये मैरून हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो पेस्ट है तो इसलिए। अब देखिए, मैं अभी इसमें ये शिमला मिर्च को ऐड कर दूंगी। ये दोनों को मैं पका लूंगी अच्छे से। ये देखिए, मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूंगी। आप जैसे बनाओगे, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा डालोगे, मैं बस 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब मैं इसी स्टेज पे डालूंगी इसको। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो, जो एक मैं काट के रख ली हूँ। अब देखिए, अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और मैं लाल मिर्च भी 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ, क्योंकि ना उसमें हरा मिर्च पहले से ही मैं डाल ली हूँ। और आप अपने हल्दी अपने टेस्ट के अनुसार या कलर के अनुसार आप डाल सकते हो, मैं सब 1/2 चम्मच डाल ली हूँ। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और नमक मैं अपने टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिएगा। और इतना टेस्टी और इतना अच्छा ना, और बहुत ही अच्छा लगता है पनीर का भुर्जी, एकदम 10-5 मिनट में बनाएं और इतना टेस्टी कि एक के जगह पर 4 रोटी खाएं, पड्डे बनने वाला पनीर का भुर्जी। तो ये देखिए, पूरा तेल को अपने से बाहर कर दिया है, पूरा तेल छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पर आँच को, फ्लेम को एकदम लो कर लेना है, और आप इसमें ये जो पनीर का आप कद्दूकस किए हो उसको आपको ऐसे करके इसमें डाल लेना है, और इसको प्यार से चला लेना है। इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगता है ना, कि अगर आप नहीं बनाए होंगे तो ये एक बार जरूर इसका भुर्जी बना कर पनीर का खाइए,
एकदम फैंड हो जाएंगे आप इसका। पका लेंगे। अब देखिए इसमें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दी हूँ और इसको 5 मिनट में थोड़ा सा और पका लूँगी, क्योंकि वो पनीर को मैं तली नहीं थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको पका लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ सर्व करके। ये तेल चारों तरफ छोड़ने लगा था इस स्टेज पे, थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करके अब बस बंद कर दूँगी। और ये देखिए मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए गाइस, वाह कितना टेस्टी और कितना हेल्दी भी है, क्योंकि पनीर है तो हेल्दी है ये है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो मेरा वीडियो आप लोग देखें कैसा लगा आप लोग को रेसिपी, अगर रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग ज़रूर ही बनाइएगा और बना के मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। इसी के साथ साथ वह बाय, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय।